इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL हर साल कुछ ऐसे टैलेंट तलाश कर लाती है जिनकी कहानियां करोड़ों भारतीयों को इंस्पायर कर जाती है। सच में जो प्रतिभा को मंच प्रदान करता है उसी को IPL कहते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी हमारे आज के इस युवा क्रिकेटर की भी है जो कि गरीबी के बहुत बुरे हालात से उभरकर IPL के मंच तक पहुंचे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के ताबड़तोड़ लेफ्ट हैंडेड मध्यक्रम के बल्लेबाज और इलेक्ट्रीफाइंग फील्डर रिंकू सिंह की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PBC क्रिकेट पर। चलिए रिंकू सिंह की जिंदगी की कहानी की शुरुआत करते हैं उनके बचपन के साथ। रिंकू सिंह का पूरा नाम है रिंकू खाना चंद्र सिंह। रिंकू सिंह का जन्म सन 1997 के 12 अक्टूबर को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। रिंकू सिंह का पिता का नाम है खाना चंद्र सिंह और उनकी माता का नाम है वीना देवी। रिंकू सिंह के एक बड़े भाई और एक बहन भी है। बड़े भाई का नाम है जीतू सिंह और उनकी बहन का नाम है नेहा। रिंकू के पिता LPG सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे और उनकी माता एक हाउसवाइफ है। रिंकू के बड़े भाई एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और पूरी फैमिली पूरे महीने भर काम करने के बाद मुश्किल से 12,000 रुपये ही कमा पाती थी। रिंकू ने पढ़ाई 9th स्टैंडर्ड तक ही की थी और वो 9th में फेल हो गए थे। उनका फेल होने का कारण था पढ़ाई पर फोकस ना करना, सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करना और साथ ही साथ फैसिलिटीज़ की कमी। और इसीलिए रिंकू ने 9th में फेल करने के बाद अपनी पूरी फोकस क्रिकेट पर लगा दी और पढ़ाई छोड़ दी। जैसे ही क्रिकेट की ओर रिंकू का ध्यान बढ़ते गया वैसे ही रिंकू आगे बढ़ते चले गए और इसी के बदौलत रिंकू सिंह ने UP के लिए अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 क्रिकेट खेला और इन टूर्नामेंट्स में रिंकू ने बहुत सारे रन भी बनाए। फिर रिंकू ने 2014 में UP के लिए लिस्ट ए डेब्यू किया जब उनका उम्र सिर्फ 16 साल था। और कमाल की बात देखिए, रिंकू ने अपने पहले मैच में ही जबरदस्त 83 रन ठोक डाले और उसके बाद रिंकू को 2016 में उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का भी मौका मिला जब उन्होंने यूपी के लिए रणजी ट्रॉफी 2016-17 का सीजन खेला। और डोमेस्टिक क्रिकेट में रिंकू सिंह का शानदार प्रदर्शन उन्हें IPL के दहलीज तक खींच कर लाया और 2017 के IPL ऑक्शन में रिंकू सिंह को किंग्स इलेवन पंजाब ने उनके बेस प्राइस 10 लाख रुपये में खरीद लिया। और जब IPL में 10 लाख रुपए में रिंकू सिंह खरीदे गए तब उन्होंने घर जाकर उन्हीं रुपयों से उनके पिता को एक TVS Ntorq स्कूटर गिफ्ट किया ताकि वो LPG सिलेंडर डिलीवरी के काम साइकिल में ना करे। और IPL से कुछ पैसे कमाने के बाद रिंकू सिंह के पिता ने अपना प्रोफेशन भी छोड़ दिया था। फिर बारी आई 2018 की IPL मेगा ऑक्शन की जब किंग्स इलेवन पंजाब ने रिंकू सिंह को रिलीज कर दिया। पर डोमेस्टिक क्रिकेट में रिंकू सिंह का प्रदर्शन KKR को रास आया और KKR ने रिंकू सिंह का बेस प्राइस 20 लाख से 4 गुना ज़्यादा पैसे देकर 80 लाख रुपए में रिंकू सिंह को खरीद लिया। और 2018 से लेकर 2021 तक रिंकू सिंह KKR का हिस्सा बना रहे, हालांकि उन्हें उतने मौके नहीं मिले। और फिर 2022 के मेगा ऑक्शन में KKR ने रिंकू सिंह को रिलीज कर दिया पर फिर से उन्हें 55 लाख की भारी भरकम रकम देकर उन्हें अपने टीम में वापस ले लिया। और 2022 के IPL में रिंकू सिंह बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं और अब ऐसा लगने लगा है कि KKR की टीम में रिंकू सिंह का जगह मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको बता दें कि KKR का बार बार रिंकू सिंह को खरीदना एक ही रीज़न था, वो है रिंकू सिंह का डोमेस्टिक में प्रदर्शन। डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर रिंकू सिंह बहुत ही सीरियस हैं और बहुत अच्छे प्रदर्शन काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल रिंकू सिंह 70 से 90 तक की एवरेज से डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाते हुए आ रहे हैं और उनका यही प्रदर्शन IPL टीमों को उनकी ओर खींचती है, स्पेशली KKR को। तो दोस्तों, ये तो थी रिंकू सिंह की IPL सफ़र की कहानी। अगर आपको रिंकू सिंह की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।